हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुलवेज और आप देख रहे हैं प्लांटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों बोतल पंप के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको सभी टाइप के बोतल पंप दिखाने वाला हूं, लगा के 1 फीट से लेकर 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, 20 फीट, सभी हाइट के आज बोतल पंप के बारे में बताऊँगा और उसका इस मार्केट में क्या क्या प्राइस है और उसकी किस तरीके से आप केयर कर सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल के साथ बताने वाला हूं। और जो मैं हमारी नर्सरी है, पूरी नर्सरी की आज मैं विजिट कराने वाला हूं, कितनी बड़ी नर्सरी है। आपको किसी भी टाइप बोतल पंप की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नर्सरी पे विजिट भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों शुरू करते हैं, आज मैं आपको विजिट कराता हूं। और चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे बड़े प्लांट्स हैं बोतल पंप के, उनकी बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये कम से कम 20 से 25 फीट की हाइट का प्लांट्स है और ये काफी मोटी थिकनेस का प्लांट्स है। ये देखिए, इसकी थिकनेस जो है काफी मोटी है और ये काफी हेल्दी प्लांट्स है। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके के प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप यहां से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए काफी बड़ा है और इसकी मैं बात करूं इसकी रिंग की, तो इसकी रिंग जो है लगभग कम से कम 12 से 15 फीट तक की इसकी रिंग है। अगर आपको 2 से 3 फीट की हाइट के रिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप 2 से 3 फीट की हाइट का रिंग के प्लांट्स भी यहां से परचेस कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज मैं आपको पूरी नर्सरी की विजिट कराता हूं। हमारे पास बड़े प्लांट्स, छोटे प्लांट्स, सभी तरीके के प्लांट्स आपको इस नर्सरी पर मिल जाएंगे। ये देखिए काफी बड़ा प्लांट्स है। अब मैं बात करता हूं थोड़े छोटे प्लांट्स की। ये देखिए, ये भी काफी हेल्दी प्लांट्स और काफी बड़ा है। ये देखिए, और इसकी थिकनेस भी काफी अच्छी है और बिल्कुल स्लिम बॉडी का ये प्लांट्स है और ये भी बिल्कुल फ्रेश बोतल पाम का प्लांट्स है। और अब चलते हैं दोस्तों, ये देखिए और भी काफी बड़े बड़े और काफी हेल्दी प्लांट्स है। ये देखिए, ये भी काफी बड़ा है और काफी मोटा है। देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। चलिए मैं आपको अंदर तक विजिट कराता हूँ, कितनी बड़े बोतल पाम के हमारे पास प्लांट्स अवेलेबल हैं। दोस्तों आपको सभी साइज के प्लांट्स इस नर्सरी पे मिल जाएंगे। ये देखिए काफी बड़े प्लांट्स हैं, ये देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्दी है। और ये देखिए, और बहुत सारे अलग अलग साइज़ के आपको इस नर्सरी पे बोतल पाम के प्लांट्स मिल जाएंगे। और देखिए बहुत बड़ा हमारा बाग है। आपको दोस्तों हमारी नर्सरी पे आपको सभी साइज़ के लगा के 1 फीट से लेके 1 फीट, 2 फीट, 10 फीट, 5 फीट, 20 फीट, सभी साइज़ के बोतल पाम के प्लांट्स इस नर्सरी पे मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी टाइप के पाम की वैरायटी की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें टैग कर सकते हैं और इस नर्सरी पे विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको अब इस नर्सरी पे विजिट नहीं करना चाहते तो आप यहां से डायरेक्टली कॉल करके मंगा भी सकते हैं। आप ये हमारी जो डिलीवरी है पूरी ऑल इंडिया में सप्लाई होते हैं प्लांट्स, आप चाहें तो सभी टाइप के प्लांट्स अपने घर पे मंगवा सकते हैं। दोस्तों और भी हमारे पास, अंदर तक मैं आपको लेके चलता हूँ, ये काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं। और ये देखिए बहुत ही हमारे पास, अगर आपको जितने की रिक्वायरमेंट है सभी तरीके के बोतल पाम हमारे पास अवेलेबल है, सभी साइज में आपको इस नर्सरी पर मिल जाएंगे। दोस्तों ये बिल्कुल सेट प्लांट है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से इन प्लांटों को परचेस कर सकते हैं। आपको सभी साइज़ के प्लांट्स बिल्कुल सेट प्लांट यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सभी प्लांट्स बिल्कुल सेट प्लांट हैं, इनको हमने सीमेंट बैग में लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल सीमेंट बैग में सेट प्लांट्स हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल इसमें सीमेंट बैग हमने लगाए हुए हैं अच्छे से, ये सेट प्लांट है बिल्कुल। देखिए देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये सेट हुए हैं और ये बिल्कुल काफ़ी हेल्दी हैं। आप चाहें तो इनको बिल्कुल यहाँ से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आपको ऑल इंडिया में आप कहीं भी इन प्लांटों को मंगा सकते हैं। हमारी जो डिलीवरी है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, हम पूरी ऑल इंडिया में इन प्लांटों की सप्लाई करते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहां से मंगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा है और ये देखिए, ये भी हमारा सेट प्लांट है बिल्कुल, इसमें भी कट्टा लगा हुआ है। दोस्तों सभी तरीके के प्लांट्स हमारे बिल्कुल सेट प्लांट हैं। और ये देखिए दोस्तों, इसमें भी कट्टा लगा हुआ है सीमेंट का,
सीमेंट बैग इसमें भी लगा हुआ है और ये इसकी भी हाइट कम से कम 20 फीट है। दोस्तों अगर आपको 20 फीट के, 15 फीट के, 10 फीट के, 8 फीट के, 5 फीट, 2 फीट की जितनी हाइट आप चाहते हैं सभी साइज़ के इस नर्सरी पे आपको बोतल पाम हो, फॉक्सटेल पाम हो, एरिका पाम हो, सभी टाइप के प्लांट्स इस नर्सरी पे मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं बोतल पाम का जो स्टार्टिंग प्राइस है, अगर आप 5 से 6 फीट के प्लांट्स को यहाँ से परचेस करना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस है 60 से 70 रुपये, 100 रुपये तक आपको 5 से 6 फीट का प्लांट्स मिल जाएगा। अगर आप इतने बड़े हेल्दी प्लांट्स को इस नर्सरी से परचेस करना चाहते हैं तो ये आपको 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में ये प्लांट्स आपको इस नर्सरी पे मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो इन प्लांटों का प्राइस है वो साइज़ और हाइट पे डिपेंड करता है, कितने बड़े प्लांट्स हैं आपको, जितने बड़े प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली कॉल करके हमें पूछ सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन प्लांटों को मंगा सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारे पास आपको इस साइज़ का प्लांट्स भी मिल जाएंगे, 8 से 10 फीट की हाइट के बोतल पाम। ये देखिए काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी थिकनेस के काफ़ी अच्छे प्लांट्स हैं। ये देखिए इसकी मैं बात करूँ और इसकी हाइट की, इसकी हाइट जो है लगभग 8 से 10 फीट की हाइट के प्लांट्स हैं और इसकी थिकनेस की बात करें ये भी काफ़ी अच्छी थिकनेस है। दोस्तों इसमें अभी रिंग बने हुए नहीं है। ये देखिए दोस्तों इस साइड से भी, यहाँ से भी ये प्लांट्स हमारे उठ के गए हैं और ये देखिए काफ़ी प्लांट्स हैं और बिल्कुल सेट प्लांट हैं। इनमें सीमेंट बैग जो है बंधा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल सेट प्लांट है। ये देखिए इसमें भी सीमेंट बैग लगा हुआ है, सभी में हमने सीमेंट बैग से इनको लगाकर सेट किए हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसकी केयर की। दोस्तों इसकी केयर किस तरीके से आपको करनी है, दोस्तों जब भी आप बोतल पाम को कहीं पर लगाएं तो आपको सबसे पहले आपको मिट्टी देखनी है, आपकी मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए। जो भी दोस्तों बोतल पाम जो है ज़्यादातर पक्की मिट्टी में चलता है, जो हमारी क्ले सॉयल होती है जिसे आप देख सकते हैं, ये हमारी क्ले सॉयल है, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी चिकनी मिट्टी है। ये देखिए क्ले सॉयल है, इस क्ले सॉयल में काफ़ी अच्छे से हमारा बोतल पाम जो है अच्छी ग्रोथ करता है। और दोस्तों जो सैंडी सॉयल होती है, सैंडी सॉयल में इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, इसी वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी बोतल पाम को लगाएं तो क्ले सॉयल में लगाएं, जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है उसमें आपको बोतल पाम को लगाना है। दोस्तों नंबर 2 हम बात करते हैं आपको केयर की, इसमें जो है आपको वाटरिंग भी ज़्यादा नहीं करनी। दोस्तों इसमें वाटरिंग भी आपको अपने इसके हिसाब से करनी है, देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी रूट्स बाहर निकल जाती हैं। दोस्तों जब भी आप इस बोतल पाम के प्लांट्स को लगाएं तो थोड़ा गहरा इसको लगाना है, आप इसकी रूट्स जो हैं ये वो मिट्टी के अंदर आ जाएं, यहाँ तक आपको इस साइज़ में आपको कम से कम यहाँ तक इसको मिट्टी में दबा देना है और फिर आपकी जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो अंदर ही ग्रोथ करेंगी और आपका प्लांट्स अच्छे से सेव रहेगा और आपका प्लांट्स काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। जो बोतल पाम खरीदें तो इसकी रूट्स ज़्यादातर बाहर निकल जाती हैं और आप अपने घर पे या जहाँ भी आपको लगाने हैं तो कम से कम इसको इतना आपको दबा देना है, कम से कम इस। और दोस्तों अब मैं बात करूँ इसको कितने बाई कितने का गड्ढा खोदना है। जो हमारे बोतल पाम के बड़े प्लांट्स हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये 15 से 20 फीट की हाइट का प्लांट्स, अगर आप इसको इसके लिए होल जो करेंगे, इसमें जो गड्ढा करेंगे वो 4 फीट बाई 4 फीट का गड्ढा आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी हेल्दी प्लांट्स है। दोस्तों ये इसकी जो थिकनेस है वो भी काफ़ी मोटी है, वरना ये अगर आपने इसको 4 फीट बाई 4 फीट का गड्ढा नहीं करा तो आपका प्लांट्स जो है ये गिर सकता है। और आप इसमें कम से कम 4 फीट बाई 4 फीट का गड्ढा ज़रूर करें और कम से कम इतना प्लांट्स को मिट्टी के अंदर ज़रूर दबा दें। वो एक ध्यान और रखना है दोस्तों, जो बोतल पाम हमारा होता है ये इसमें एक जो छोटा सा जानवर होता है से, जिसे से बोलते हैं, जिस पर कांटे होते हैं, उस जानवर पर छोटे से कांटे होते हैं, छोटा सा जानवर होता है उस पर बहुत सारे कांटे होते हैं और उससे इसको बचा कर रखना है। जो वो छोटे प्लांट्स होते हैं हमारे बोतल पाम के, उनकी रूट्स को ये खाने लगता है और इनमें ज़्यादातर इफ़ेक्ट डालता है वो, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कहीं पर। दोस्तों ये जो हमारी से होती है इस तरीके के से अपने प्लांट्स को नुकसान पहुँचा सकती है, वो इसकी रूट्स को खा जाती है, यहाँ से इस तरीके से आपके प्लांट्स को खा सकती है। इसी वजह से आपको जब भी प्लांटों को लगाएं, अगर आपके
छोटे प्लांट्स हैं, अब अगर आप छोटे प्लांट्स को लगाना चाहते हैं तो इसमें चारों तरफ नेट लगा दें जिससे आपके जो प्लांट्स हैं सेव रहें। और मैं आपको दूसरा प्लांट्स दिखाऊँ, इस तरीके से इफ़ेक्ट डाल सकती है जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स को या आपके उसके स्टम को ये से खा जाती है, इस तरीके से आपके प्लांट्स को बेकार कर सकती है। इसी वजह से आपको इन प्लांट्सों को बचा कर रखना है। ये जो से लग जाती है इसको किस तरीके से बचाना है, ये देखिए हमने इस तरीके से इसमें चारों तरफ ये कपड़ा लगा रखा है। आप जो भी चीज़ आप चाहें तो कुछ भी चीज़ को लगा सकते हैं जिससे वो जानवर इससे इन प्लांटों पे अटैक नहीं करे। ये देखिए हमने इस तरीके से इस पर सपोर्ट लगा रखी है चारों तरफ जिससे हमारे प्लांट्स सेव रहें और हमारे प्लांट्स हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।